एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि दक्षिण और पूर्व के इलाके में, बड़ी खबर इस वक्त की, दक्षिण और पूर्व के इलाके में रूस का सैनिक जमावड़ा बढ़ रहा है। ये कहना है यूक्रेन का कि दक्षिण से और पूर्व के क्षेत्र से, यानी ओडेसा जो ब्लैक सी का इलाका है, वहां से रूस की सेना आगे बढ़ती आ रही है, और पूर्व में जो डॉनबास का इलाका है वहां से रूस की सेना, खार्किव के इलाके से रूस की सेना आगे बढ़ती आ रही है, और एक जगह वो जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और उसके बाद एक सुनियोजित तरीके से राजधानी कीव पर हमला किया जाएगा। तो आप एक बड़ी दृष्टि, एक बड़ी बड़ी पिक्चर, बड़ी तस्वीर पर अगर आप नजर डालें तो उत्तर से चेर्नोबिल से वो जो सेना आगे बढ़ रही थी, जो 63 किलोमीटर लंबा काफिला था, यूक्रेन का कहना था कि तीन जगह उस काफिले पर हमला किया गया और इसीलिए वो काफिला ठिठक गया था, नहीं आगे बढ़ पा रहा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो काफिला महज 20 किलोमीटर दूर रह गया है।